जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का असर गेहूं की सरकारी खरीद पर दिखने लगा है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की बड़ी मांग के चलते व्यापारियों को गेहूं के निर्यात से मोटी कमाई होने की उम्मीद है। ऐसे में वे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से ज्यादा कीमत चुकाकर गेहूं खरीद रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करना सरकारी एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया है। हरियाणा में सरकारी एजेंसियों को 85 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन 9 दिन में सरकारी एजेंसियां 7 लाख टन गेहूं ही खरीद पाई हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग बढ़ सकती है। इसको देखते हुए व्यापारी मंडियों की बजाय सीधे किसान के खेतों का रुख कर रहे हैं। वहीं सरकार ने गेहूं का MSP 2015 रुपये निर्धारित किया है, मगर व्यापारी सीधे खेत से ही 2100 से 2200 रुपये के बीच में गेहूं की खरीद कर रहे हैं। हालांकि मंडी में जो व्यापारी गेहूं खरीद रहे हैं वे MSP से केवल 20 से 50 रुपये क्विंटल ही ज़्यादा दे रहे हैं। मंडियों में 10 लाख टन से ज़्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 7 लाख टन गेहूं सरकारी एजेंसियों और 3 से 4 लाख टन व्यापारियों ने खरीदा है। वही व्यापारियों द्वारा सीधे खेतों का रुख करने से मंडियों में गेहूं की आवक जोर नहीं पकड़ पा रही है। पिछले साल 15 अप्रैल तक 30 लाख टन से ज्यादा गेहूं की आवक हो चुकी थी। इसके चलते अब 13 से 14 अप्रैल को 24 घंटे के लिए 18 मंडियों में गेहूं की खरीद बंद करनी पड़ी थी। मौजूदा रबी सीजन में सरकार की ओर से गेहूं खरीद के लिए 411 मंडियों की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कुल 104 लाख टन गेहूं भंडारण की क्षमता है, जिसमें से 56 लाख टन के लिए जगह खाली है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल, जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।